इस गांव का नाम इल्लापट्टी है। केरला और तमिलनाडु सीमा के बीच में होने की वजह से इस गांव को ये नाम दिया गया है, इल्ला इलई पट्टी, मतलब बिना किसी सीमा का क्षेत्र। इसीलिए इसको इल्ला इलई पट्टी भी कहा जाता है। समय के साथ अब इसका नाम इल्ला पट्टी हो गया है, यह यहां का इतिहास बता रहा है। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन इस इल्ला पट्टी गांव वासियों के लिए भी एक सीमा रेखा है। यह है गोरों का बंगला। 47 के बाद अंग्रेजों ने इस इल्ला पट्टी को गांव के हवाले करके जहाज में निकल गए। बाद में सत्ता बदला, यहाँ की बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। अभी यह बंगला जिसके नाम पर है, उनका नाम है केरला में रहने वाले नरेंद्र वर्मा। ज्यादातर केरला वासियों की तरह नरेंद्र वर्मा भी सऊदी के दुबई में रहते हैं। गांव में बीवी की मौत के बाद अपनी 3 बेटियों को अपने साथ ले जाकर उस रेत वाले देश में बस गए नरेंद्र वर्मा। और इस जर्जर होते बंगले को जो संभाल रही है वो है ये काम वाली पेची अम्मा और उसका बेटा पावाडे। कैसे बाउंड्री से बाहर आउट है, तुम बॉल लेकर आओ। अरे मैं कैसे जाऊं, तुम लेकर आओ ना, तो फिर तुम्हारी टीम भी आउट है। अरे अरे सुनो, हमें बॉल ला कर दे दो। अगर बॉल ला के दूंगा तो मुझे भी टीम में खिलाओगे? बॉल दोगे तो तुम्हें भी टीम में रखेंगे। डार्लिंग, जो नई फिल्म बनाने वाले हैं उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए, चलो चले क्या? Too late. ये बात तो मुझे कल ही पता चल गई थी। अच्छा, तुम्हें कल ही पता चल गया, ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। क्या बात है, तैयार हो गई क्या? Yes, darling. ये क्या साड़ी पहन कर आई हो? हम लोग मार्केट नहीं जा रहे हैं। मुझे देख रही हो ना, कैसे स्टाइल में आया हूँ, कैसा लग रहा है मेरा स्टाइलिश लुक? अच्छा लग रहा है ना? हम लोग जब इस गांव में हैं, तो तुम बाहर गांव से एक्टिंग करने के लिए कैसे आ सकते हो?
होल बॉडी टोटल डैमेज। अपने आप को ड्रैकुला कहते हो? ड्रैकुला। सर, एक चांस मिलेगा क्या? चांस तुम्हें? हम बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे। अरे मैं भूत प्रेत की फिल्म बनाने वाला लग रहा हूँ क्या? मेरा लेवल कुछ अलग है। जाओ निकलो यहाँ से। सुनो, तुम इस बंगले में शूट करोगे ना? तुझे दिखाता हूँ मैं। जरा इसका चेहरा तो देखो, बड़ा है डायरेक्टर। पिछले 20 सालों से इस 300 एकड़ की जमीन और इस बंगले को संभालने वाला कोई नहीं है। बस ये ऐसे ही पड़ा है। बेची अम्मा किसके साथ कहां चली गई किसी को नहीं पता। उसका छोटा बेटा पागलों की तरह यहां वहां भटकते रहता है और उसका बड़ा बेटा शहर में रहता है, ऐसा उसके मुंह से मैंने एक बार सुना था। मुझे यह बंगला किसी को नहीं सौंपना है, इसीलिए मैंने इसे बेचने का फैसला किया है। लेकिन मैं जो कीमत मांग रहा हूँ वो गलत नहीं है। चेन्नई से इतनी दूर आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी पार्टी को आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा इसलिए। लेकिन आप जो इस जमीन की कीमत बता रहे हो वो बहुत ज्यादा है। इतनी कीमत किसी टूरिस्ट एरिया के लिए सही है, लेकिन इस छोटे से गाँव में ये कैसे मुमकिन है? अन्ना जी, इस जमीन को बेच कर मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी है, लेकिन फिर भी किसी को मुफ्त में तो नहीं दे सकते ना। अरे हर चीज की एक कीमत होती है। मैं तो सिर्फ एक ब्रोकर हूँ, हमारी पार्टी इस जमीन के लिए 25 करोड़ दे सकती है, उससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं किसी और पार्टी को भी ढूंढ लेता है, लेकिन आप इसे एक महीने में बेचने की जिद कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 40 करोड़ से कम में मैं नहीं दे सकता। अब आपकी मर्जी, इससे आगे क्या बोलूँ, फैसला तो आपका ही है। ए, गाड़ी निकालो। सर, मैं धंधे को समझता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के लिए 25 करोड़ के ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से सोच के फैसला कीजिए। अगर आप हाँ बोलते हैं तो तुरंत के तुरंत एग्रीमेंट हो जाएगा, फुल सेटलमेंट, हार्ड कैश। ठीक है सर, चलता हूँ। क्या बात है सर, भाई का बिजनेस लटक गया क्या? अरे क्या लटक गया, यही डील है। अरे इस खंडहर बंगले को इससे ज्यादा कीमत कोई नहीं देने वाला है। इस एरिया में पेरूमल की जानकारी के बगैर कोई डील नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं, पार्टी ने जो बोला वो कीमत मैंने बता दी, अब बाकी उनकी मर्जी है। अगर ये डील फाइनल हो गई तो मुझे कितना मिलेगा पता है? कितना सर? 2%, इसका मतलब 50 लाख। 50 लाख। अरे सूरदास के औलाद, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चिल्ला पट्टी गांव का सरपंच हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सुबह सुबह शराब पी क्या गया, गाड़ी निकालो। पचास लाख मिलने के बाद मुझे भूल मत जाना सर। अरे पांडे, तुम मेरे बारे में बस इतना ही जानते हो, ये पेरूमल साथ रहने वाले लोगों को कभी नहीं भूलता। ऐसी बात नहीं है, क्यों डाउट है? सुनो, अगर मुझे 50 लाख मिल गया तो तुम्हें दो दो, दो क्वार्टर। ये है एलेक्स। यह है वेंकट कृष्णन। अरे यार कहाँ हो, सब कुछ रेडी है ना? और यह है शिवा पांडी। इस चेन्नई कुट्टम में और दो लोग हैं, रास्ते में हम उनसे मिलते हुए जाएंगे। माफ कीजिए, ये लाश जो जा रही है वह इनका सगे वाला या कोई रिश्तेदार नहीं है। ये तीनों भी A to Z इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में MD हैं।
और इसके अलावा शहर के मशहूर और नंबर वन कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र भी हैं। आज के जमाने में जो लड़के पढ़ते हैं उनमें कितना खर्चा लगता है। वो बोल रहे हैं उन्हें 40 करोड़ चाहिए, लेकिन मैंने 25 करोड़ फाइनल बता दिया है। लोगों से पता चला है कि उनका बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसीलिए मुझे लगता है वो मान जाएंगे। वैसे भी बच्चों के साथ अमेरिका में जाके सेटल होने का फैसला कर लिया है, इसलिए बंगला बेचने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सच कहता हूँ। ये है नीतू। सब लोग देख रहे हैं, छोड़ ना। और ये है शांति। रास्ते में मिलते हुए जाएंगे बोला था ना, वो यही लोग हैं। ये लोग भी उन लड़कों के साथ उसी कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का A to Z मैनेजमेंट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही तेज और अकलमंद है। लेकिन जब भी इन्हें कोई समस्या आती है तो ये पांचों एक हो जाते हैं। अपने आप को क्या समझता है? कौन है तू? ए, बताओ क्या हुआ? कौन है वो? यही है, बहुत देर से हमें फॉलो कर रहा है। तुम लोग जाओ, मैं देख के आता हूँ। ए, कहाँ से आया तू? क्या नाम है तेरा? जस्टिस विश्वनाथ। इसकी तो मारो इसे। हमारे एरिया में हमारे लड़की को परेशान करेगा। इसकी तो करेगा। तुम्हारा अगर ऐसा किया ना बहुत मारेंगे। चल निकल यार। दोबारा देखना नहीं है? समझ गया? अबे दोबारा देखना नहीं है? चलिए। अरे पानी ठंडा है, हम तो गरम है, नहाने में मजा आ रहा है। ला 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 ला, आए हाय, सुबह नहाने का एक अलग मजा है। हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी जो इस इंसान को घर किराए पर दिया था। नहाने में शांति। शांति। हर गंगे, हर हर गंगे। क्या बात है मामी? क्या बात है मामी? क्यों, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरी बात सुन शांति, तू मेरी दूर की रिश्तेदार है, ठीक है, लेकिन उसे क्लासमेट समझ के यहाँ रहने दिया। सोचा किराया टाइम पे देगा, अच्छा लड़का है, लेकिन जरा देख गला फाड़ फाड़ के कैसे हर वक्त शोर मचाता रहता है। आस पड़ोस वाले जब देखो तब इसकी शिकायत करते रहते हैं, यहाँ तक कि किराया भी समय पे नहीं देता है। जिस तरह से सुनो, ये सब यहाँ अब नहीं चलेगा, उन्हें तुम अच्छी तरह से समझा दो। हटो मम्मा, इन लोगों को तो मैं समझाती हूँ। ना 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 चाहिए आदमी को सुबह सुबह रोज। Thank you.
कर मैं जल्दी से बाहर सिर्फ ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा। जाऊंगा घूमने बाजार में घूमने जाऊंगा। बेशरम कहीं का, टॉवल पहनकर नहाना चाहिए था ना, दरवाजा नॉक करना चाहिए ना। अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मामी को तुमने परेशान करके रखा है, वो कितना चिल्ला रही थी और यहाँ पे गाने गा रहे हो। चल गए, कितना किराया बाकी है पता है तुझे? एक दो तीन तीन महीने। अरे क्या परेशानी है? परेशानी क्या है मैं बताती हूँ। पिछले महीने किराए के लिए जो पैसे निकाले थे तुम लोग सब निकल गए। सेमेस्टर फीस कितनी है पता है? एग्जाम नजदीक आ गया है, किसी भी तरह एग्जाम फीस भर दो, फिर जो करना होगा करना। अरे वो कैसे होगा, मेहनत के बगैर पैसा कैसे कमाना है, इस पर रिसर्च हो रहा है अभी। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें पैसा टाइम पे नहीं मिलता। मुझे लगता है वहाँ कुछ है। क्या हुआ? भूत है वहाँ पे, भूत। भूत हो सकता है? भूत यहाँ पर सिर्फ दो ही भूत हो सकते हैं। पहली भूत है वो मामी, दूसरा ब्याज वाला पेरूमल। हाँ सही कहा, भूत ही हूँ। पैसा लेते समय पेरूमल भाई और पैसा मांग रहा हूँ तो भूत, क्या बात है ना? दे दो, ब्याज और सूद मिला के 1.25 लाख, शराफत से निकालो। भैया वो बात ऐसी है कि क्या हुआ, पैसा नहीं है? पिछले महीने तुमने ही मुझे बोला था ना कि मैं गारंटी लेता हूँ, ना सूद ही मिल रहा है और ना ही मूल। अन्ना जी थोड़ा वक्त और दे दीजिए ना। कितना दिन? एक दिन, दो दिन? ये लोग पैसे नहीं देने वाले हैं। ये पेरूमल अगर पैसे देना जानता ना तो पैसे निकलवाना भी जानता है। सोचा था कॉलेज के लड़के हैं, फीस भरने के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसलिए वो सब हमने भर दिया भाई। वहाँ तो भर दिया लेकिन मेरा इसको भगाओ, बहुत बात कर रही है। क्या कहा? नहीं भाई, पीने के लिए जूस लेंगे या कॉफी? थोड़ा और वक्त दे दो हमें। कितना कितना टाइम? अब तुम गारंटी दे रही हो? एक सप्ताह, एक सप्ताह का टाइम देता हूं। अरे एक हफ्ते में कैसे लौट आएंगे? उसके लिए यही गारंटी है ना। इस चेन को गिरवी रखने के बारे में सोचना भी मत। महोदय ये मार्क देख रहे हैं ना, यहाँ से बाहर जाए ना यहाँ से बाहर जाए, ऐसे कट करिए, ठीक है ना? एकदम सही कट होना चाहिए। ज्यादा कट करके देंगे क्या? ए, थोड़ा सा काटेंगे। 3 बार थोड़ा थोड़ा कट करके बहुत छोटा हो गया होगा, अगर माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। ए नरसू, वो 1 महीने तक तेरे गले में था, थोड़ा कम हो गया, तेरी माँ को नहीं पता चला ना? हाँ। तो फिर टेंशन किस बात की? हाँ। अबे पहले ये चेन तुम्हारे गले में इतना बड़ा था लेकिन नीतू के दिल में तुम इतने से हो, इसीलिए चेन भी इतना सा हो गया है लेकिन नीतू का दिल इतना बड़ा हो गया है। तू मेरा सही बोल रहा है यार, कॉलेज के गेट पर खड़े होकर वो मुझे देख रही थी। अरे यार इतना डेवलप हो गया क्या? सुपर 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 सुपर। ये ले तू इसे पकड़। वो सब तो ठीक है, नीतू ने जो बोला वो याद है ना? पब्लिक में बात नहीं करनी है, मोबाइल पे फोन नहीं करना है। अगर शरीफ लड़के की तरह तुम फॉलो करोगे तो कोर्स पूरा होते ही सीधा उसके घर जाएंगे, उसकी माँ को तुम्हारे प्यार के बारे में बताएंगे, फिर वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। ऐसी बात है क्या? उसके बाद क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, एक दिन तेरा प्यार बढ़ते बढ़ते ना चेन को रिंग में बदल दे और वो होगी वेडिंग रिंग। जरा सोच के देख। Thank you.
मंकी डांस मंकी। अरे यार क्या हुआ बे? इधर देख यार। ये देखो देखो। अब कैप्शन सुपर है यार, मंकी डांस ऑन द डेथ। क्या बात है भाई, तेरा एक डांस फेमस हो गया। क्या मजाक उड़ा रहे? मैंने पहले उस गोरे को बोल दिया था नो फेसबुक नो फेसबुक। अब देखो ना, ए तू यहाँ यहाँ, तूने उसको फेसबुक पर डालने से मना किया था इसलिए उसने यूट्यूब पे डाल दिया। सिंपल, उसे गाली क्यों दे रहा है अब? ये हुई ना पॉइंट, अय्यर तूने ही बोला था ना डालने के लिए। मैं पागल हूँ क्या? तो फिर वो मंकी राम कैसे जानता है? क्या उसे दिखाई नहीं देता? अरे उसकी आँखों को किसको दिखाई नहीं देता? क्या बात है, तुम इतना अच्छा डांस करते हो। वेरी गुड बेटा। वैसे शिवा तुम तो कोई कंपनी चलाते हो ना? हाँ मम्मी। तो इस बार हमारे वुमेन्स एसोसिएशन का प्रोग्राम तुम लोग ही करोगे। ओके ओके ओके। और इसका डांस जरूर होना चाहिए। सुपर मामी, कमाल कर देंगे। इंचार्ज तो तुम लोग ही रहोगे। वेरी गुड। दीजिए दीजिए दीजिए। मेरा शोना राजा बाबू, चलती हूँ। मेरी तो आज रात की नींद उड़ गई। ये महिला संगठन प्रोग्राम में एक हादसा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसने कहा कि नुकसान नहीं हुआ है? मामी शहनाई वाले आ गए। ठीक है आती हूँ। कल तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, आज तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। देखना तो सब। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कितना बेइज्जत किया ना मुझे, जो कर्ज लिया है वो लौटाने की औकात नहीं है। और इज्जत चाहिए तुम्हें, हां निकल जाओ यहां से। घर के अंदर की प्रॉब्लम्स को ये लोग रोड पर लेकर आ गए हैं, पहले उनको घर खाली करने के लिए बोलो। देखो तुम लोगों ने मुझसे जो उधार लिया है वो सारा का सारा पैसा मुझे आज चाहिए। हमने देने से थोड़ी ना मना किया है, दे देंगे। कब? बोलो बोलो ना। अन्ना जी 32,000 है, बाकी बाद में दे देंगे। अगर तरीके से पैसा मांगो तो पक्का मिलता है, बाकी के पैसे के लिए मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं मांगूंगा, इससे लूंगा। चलो रे। रुक, ये क्या किया? वो तो तेरी सेमेस्टर की फीस थी ना। हे भगवान। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गजानने नमः, ओम कर्पूर गौरंग कर्णावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग सदा वसंतंग हृदय रविंदे भवम भमानी सहितम नमामि। ओम
ओम कृपा करना बापा। अरे बाप रे, कौन है ये? श्रवण है क्या? आज कौन सा वार है? शुक्रवार है ना? आज के दिन क्या मैं कोई डील करता हूँ? वो नहीं चाहिए। आज डील करना मतलब लक्ष्मी को नाराज करना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इल्लई पट्टी गांव प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे बाहर की लक्ष्मी को घर में लेकर आने की बात करो। 50 करोड़। एक काम करो, 40 बोलो। हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी हमारा नुकसान ही है, लेकिन वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट दिशा ठीक होती है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो महालक्ष्मी हमारे घर में बस जाएगी। समझ में आया? ठीक है, फाइनल करो 40 में। गाड़ी निकालने के लिए कहो। चलो प्लीज। अबे ये टकला कौन है? हाय, आई एम मेहता। किसे? अबे उनका नाम सर, है सर, माय नेम आई एम प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, साइंटिस्ट। आप क्या चाहते हैं सर? मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, इफ यू डोंट माइंड थोड़ी हेल्प करेंगे क्या? ओके, आ जाइए। थैंक यू जेंटलमैन, आइए बैठिए। जस्ट अ मोमेंट। अरे यार, शराब। शराब? वाह देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे ऐसे चलाओगे तो 6 महीने लग जाएंगे निकलने में। आराम से। आज अच्छा मौका है, छोड़ना नहीं है हमको। अरे आपने बुलाएंगे चलो, चलो चलो। कम ऑन भाई, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी चलो। भाई पूरे 5 है। सोडा या पानी? सोडा। पापा पानी भी चलेगा। गुड। ओके चीयर्स, कम ऑन टेक इट। गुड। सर, लाइफ में पहली बार हम तीनों साइंटिस्ट के साथ बैठ के पी रहे हैं सर, सच में। ऐसी बात है? हाँ सर, हमने अब तक बहुत से लोगों के साथ पिया, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट के साथ बैठ के पी रहे हैं। यू आर रियली ग्रेट सर। अच्छी फ्रेंडशिप हमेशा से मेरी वीकनेस रही है। सर मेरा भी ऐसा ही है सर। ऐसा ही। सर आपकी फैमिली? हम सब एनी, वो चली गई है। ये बोलना क्या चाहता है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, उसके लिए वो चली गई। उसकी ख्वाहिश से बढ़के करूंगा तो वो वापस आ जाएगी। अगर तुमने साथ दिया तो हो जाएगा। वो कैसे? आई वॉन्ट स्केलेटन। क्या? कंकाल? यस, इंसान का। द रियल ह्यूमन स्केलेटन। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये ₹5,000 टेक इट। नहीं हो पाएगा सर, ये बात नहीं है हो पाएगा। अनदर 5,000 rupees। सर इतने में भी नहीं हो पाएगा। डार्लिंग हमसा, ये सब तेरी वजह से। ₹50,000। Come on. और एक पैक लगाना होगा। हो जाएगा सर, ये रिस्क लेते हैं, पक्का होगा सर, पक्का। वेरी गुड। यार अजीब सी बदबू आ रही है।
अब भाई यार यहाँ से जाना, बदबू बर्दाश्त नहीं है। चल जा। अरे हो गया ना, इसके लिए इतना क्यों सुना रहा है? जाना। हवा निकालना भी जुर्म है आजकल। कौन हो सकता है इस वक्त? हेलो। सांभा, मेरा नाम है सांभा। कौन है? सांभा, मैं हूँ सांभा। अरे बोलो नालायक कहीं के। ए, क्या कहा क्या कहा? नालायक कहीं का? बताओ हमारी शांति का सेमेस्टर फीस कितना है? क्यों, किस लिए? बताओ। 32,000। शांति का सेमेस्टर फीस और मामी के घर का किराया सब कुछ लेकर सुबह तक वहीं पहुंचता हूं मैं। जाकर मामी से कहना है कि उनका पूरा किराया अपनी तरफ से फुल 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 सेटल कर दूंगा मैं। रियली? वेंकट ने एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, जुबान से पीछे नहीं हटता। ए चल उठ, आज उस मामी की पूरी चर्बी उतारती हूँ मैं। चल आना। मामी मामी मामी। क्या बात है? मामी, हमें आपको जो पैसे देने हैं वो हम कल आपको दे देंगे। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना? मतलब आप हर महीने हमसे जो किराया लेती हो ना, वो हम लोग आज ही चुका देंगे। ए चल यार। अरे भाई सुनो, ये क्या है? एक कंकाल बोलकर सारी हड्डी निकालने वाले हो क्या? बन गया ये, चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लेगा। अबे तूने ही तो कहा था पैसे देने पर एक कब्र से भी निकाल कर देगा। ए, वो मासूम है यार, शराब के नशे में है। ए, जाके उसका मुंह बंद करवाना। चल जा। जाता हूं। क्या कर रहे हो? दोनों अपना काम। क्या चल रहा है कब्रिस्तान में? अरे बाप रे, उतरो उतरो। पेरुमल सर, वो जो एल्लापट्टी प्रॉपर्टी अय्यर उसके लिए 40 देने की बात कर रहा है, मुझे लगता है डील हो जाएगी। वो अय्यर हो या कलिंगर, डील मुझसे ही होगी और जब तक ये नहीं होगी मैं शांत नहीं बैठूंगा। सुनो जरा गाड़ी रोको। नमस्ते सर। क्या प्रॉब्लम है? सर कॉलेज के 4 लड़के शराब पीकर लफड़ा कर रहे थे। अच्छा, कौन है यार? उनके कहने पर तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, जाओ चले जाओ, बोल रहा हूं ना जाओ, चलो जाओ जाओ यहां से जाओ। ए रुको, इधर आओ। ये क्या है सर? सर वो पैसे हमारे पैसे सर, वो पैसे। चलो जाओ चलो जाओ जाओ निकलो। चलो जाओ यहां से। तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ रहा हूं, शुक्र मनाओ। चलो जाओ, आ गए बड़े नवाब, चलो जाओ यहां से। ए इधर आओ। सर तुम कब्रिस्तान के रखवाले हो ना? हाँ सर, मैं तो हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरी बीवी बच्चे हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले उसी में ध्यान दो। ठीक है सर। दोबारा कंप्लेन आई तो चमड़ी उतार दूंगा, चल निकल। ठीक है सर। मेरा क्या उखाड़ेगा रे, आजा आजा ले पिएगा क्या? ए मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है क्या? दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अपने बच्चों के साथ चीटिंग करता है ना, सब पता है मुझे, सब पता है। जा दिखाई मत देना अब, दोबारा आना मत इधर। सारी गलती करके मासूम की तरह बैठा हुआ है। अरे तो मैं क्या करता, 50,000 मिल जाएगा तो सारा उधार चुका देंगे, यही तो सोचा था। ज्यादा बकवास मत कर तू।
शराब पीते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे दादाजी बोला करते थे। दादाजी कहते थे सीधा सर पे चढ़ जाती है। बंद करना। हाँ? क्या है ये भी? ओहो, दिमाग खराब कर दिया। कौन है यार? हाँ? अरे वही नर्सू। अबे यार ये चैन से पीने भी नहीं देगा हमें। ए, चैन काटते वक्त नर्सू। अरे वेंकी तुम कहाँ हो यार? घर पे हो यार। नहीं तो तुम्हारे बगल में है क्या? अरे नहीं, बाहर गई है। क्या बगल में है क्या? बगल में नहीं है माँ। अरे बोलो यार, बात क्या है? अरे तुम लोग इधर ही आ जाओ यार। कहाँ? मेरे घर में। किस लिए? अरे बताता हूँ, आ तो जाओ। हाँ ओके ओके ओके। क्या हुआ? अरे वो नर्सू हम लोग को अपने घर पे बुला रहा है यार। ए, खत्म होने के बाद चक्कर लगा क्या? खा लो ना बेटा, जितना मन करे खा लो। तुम्हें पता है मेरी ना एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरे इस नर्सू के लिए एक परी जैसी लड़की मिल जाए और मैं जल्द से जल्द अपने पोते को खिला पाऊँ। बस यही छोटी सी ख्वाहिश है मेरी और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने जिसे शादी किया है उसे तो तुम देख ही रहे हो। ये सब किस्मत की बात है। हाँ लेकिन मेरी बदकिस्मती है। हाँ, हाँ, वैसे इसका स्टाइल देखा है? किसी फिल्म के स्टार जैसा है मेरा राजा, मेरा लाडला। लेकिन सैलरी के लिए ऐसा नहीं है, काला हो या गोरा हो एक बच्चा पैदा कर लिया तो काफी है। चुप हो जाओ ना माँ। बेटा वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? तो हम लोग निकलें क्या? अब अरे कुछ खा तो लो। मालपुआ तो आपने खाया नहीं, कम से कम दूध तो पी लीजिए। बेटा तुम लोगों को भाई का फर्ज समझकर इस मामले को निपटाना है। हाँ, भाई नहीं जीजा जी है। अरे मेरा लाडला। नर्सू इधर आ। क्या बात है भाई? तुम्हारी चेन समझदार है ना? अरे यार वो गले में दब रहा था इसलिए माँ ने उठा कर रख दिया। किसको पूछ कर दिया तूने? ए, क्या हुआ? अबे यार वहां देख। भाई तू अपने प्यार को जल्दी से दिल की बात बोल दे, वरना तू भी शाहजहां की मूवी बन जाएगा। हाँ यार, इंसान समझ सके ऐसा ये इंसान का प्यार नहीं लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा पवित्र है। बहुत पवित्र, बहुत पवित्र। जाकर बोल दो अविरामी से, अविरामी अविरामी अविरामी। एक कमीने, नालायक, बेशरम। जरा इनका चेहरा तो देखो, इन पर विश्वास करने के चक्कर में ही आज हमारी ये हालत हुई है। देखो ये भी आ गया। हाँ लो आ गए महाशय। हेलो गर्ल्स। कल रात को तुमने फोन पर मुझसे क्या कहा था? सुबह सारे पैसे देकर सेटल कर देंगे और फिर हम खुशी खुशी जिएंगे, यही कहा था ना? जरा देखो तो, इस कमीने ने अपने कान में रुई डाल रखी है। रुई? तेरी तो। कान में रुई डालकर खड़ा है हमारे सामने? हाँ, तेरे कान में नहीं नाक में रुई डाल देनी चाहिए। अरे अब तक की सारी बातें सुन चुका हूँ, सब रिपीट ही हो रहा था। देखो शराफत से बात करो। उस मामी के सामने जाओ, इससे भी गंदी गाली देगी। तुम्हारे भरोसे उसे आधी रात को जगा दिया था, सब इसकी वजह से। वो देख वहाँ एक और खड़ा है, अब भी बताती हूँ। अरे चलो चलो उठाओ। पेड़ की तरह क्यों खड़ा है? अरे जल्दी करो यार, उठाओ यार, चलो। हाँ डालो, चलो उसको रखो। हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। ध्यान रखना अपना। हाँ ध्यान रखिए। तुझे बोल के कोई फायदा नहीं है, ना कुछ सुनता है ना करता है, किसी काम का नहीं है, जा। देखो मैं एक बार मारूंगा तो 100 के बराबर होगा। ए सुन, कुछ भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन हमारे बॉस ने जो पंच डायलॉग मारा था ना।
मैं एक बार मारूंगा तो 100 बार मारने के बराबर है। तो यहाँ से देखता रहे बस, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। वो कंगाल कहाँ है रे? चल 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 सर, गोली मत मारिए सर सर सर। नहीं 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 सर सर। कौन फोन कर रहा है बे? हाँ हेलो। अरे नीतू बगल में है क्या? माँ उससे बात करना चाहती है। अरे तेरी माँ? क्या बोल रहा है वो? बोला तेरी माँ का। क्या कहा? उसका मतलब वो नहीं था। तो भी ठीक है सर, अगर हमें मार देगी तो सिर्फ आपको हमारी बॉडी ही मिलेगी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी चलेगा। प्लीज सर, थोड़ा वक्त दे दीजिए सर। ओनली 1 वीक, इस बीच में मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम तीनों को मैं। भगवान है भगवान है भगवान। मूव। आई हैव अ गन। पुरानी बंदूक है। क्या हो रहा है ये सब? पैसा कमाने का यही रास्ता बचा है क्या? लाश कंकाल। देख लो यार, किराया देना है, सेमेस्टर की फीस है, एग्जाम भी देना है। सोचा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे लेकिन मामी ने घर खाली करने को कहा है, अब क्या करेंगे? वैसे घर सिर्फ मामी के पास है क्या? तुम तो ज्यादा बात ही मत करो, तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है। हर बार मैं ही दोषी नहीं होता? ये सब हमने अपने लिए नहीं किया, बात को समझने की कोशिश करो। ए, कौन कॉल कर रहा है? जाके तेरा फोन उठाना यार। अरे नरसू होगा यार। ये नरसू कौन है? वो हमारा चैन फ्रेंड है, तुम उसे नहीं जानती? आज तो मैं उसे यार पेरुमल का कॉल है। सुपर, बस इसी की कमी रह गई थी, अब वो भी आएगा हमारी जान खाने। अरे पहले फोन तो उठाओ। बोलिए सर। बेटा एक सप्ताह हो गया, तुम लोग मेरे पास आओगे या मुझे वहाँ आना पड़ेगा? क्यों? बोलो बोलो। उस दिन जैसा वो बोल रही थी उसी के पास जाके पैसे ले लूं क्या? बोलो ना बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ आ जाता हूँ। ए, क्या कह रहा है वो? वो हमें बुला रहा है। अब अचानक जल्दी से बैठो, जल्दी करो, ठीक है, चल भाई जल्दी। Like a jigsaw puzzle, all we wanna do is sliding through the trouble just across the finishing line. Driving away from the hustle bustle of the city, emancipating from the worldly cues and rules. The journey that will change our destiny is here. When it's dreams so away from all the story of tonight's city, this ecstasy is such a fantasy. Running away from the hurdles we started off, accelerating all the mystery. Ballers and bombers and now heavy strings attached, you and us are still out of history. Freedom from the tears, miles apart from all the fears.
ascending to this valley, leaving all the problems behind. Yeah, yeah, yeah. Anxiety is on tally, green meadows are smiling at us. Oh no, it will be a comedy or tragedy. Wandering over the ranges below the sky, nobody's out to set our boundaries. What lies ahead of us, we have no idea. But with a heart strong enough to fight a war, here we are, let's do or die. अब क्या हुआ? ए भाई, सही जगह पे आए ना हम लोग? नीतू, ओट? ए, वो देख, हाँ? समय कौन है? कौन है? कौन है? हैं? क्या बात है भाई? क्या हुआ? कौन है तुम लोग? अरे अरे क्या हुआ? क्या बात है? भाई साहब, हम लोग रास्ता भटक गए थे और गलती से उस बंगले के अंदर चले गए।
देखिए भाई साहब, गलती से हमारा एक फ्रेंड बंगले के अंदर ही फंस गया है, प्लीज उसे बचा लीजिए भाई साहब, प्लीज। चलो चल कर देखते हैं क्या बात है। चलो 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 एलेक्स क्या हुआ यार, कुछ बोल तो। क्या हुआ यार, आखिर हुआ क्या था भाई, बोल ना भाई क्या हुआ तुम्हें। जब मैं तुम लोग के साथ भाग रहा था तो कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, लेकिन उसके बाद ये ताबीज मेरे हाथ में कहां से आ गई मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हारे आवाज देने के बाद मुझे होश आया, इस बंगले में कुछ है यार। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या भाई? यहाँ पर तो नहीं है, तिरुनेलवेली जाना पड़ेगा। तिरुनेलवेली? हाँ। अरे यार, हा? ये लड़के लोग तो भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, हमने तो आज तक कुछ नहीं देखा। क्या मामा भूल गए क्या, पिछले हफ्ते एक बकरा वाला मर गया था ना। चलो यहाँ कोई मत रुको, आज शुक्रवार है, अमावस्या भी है, चलो सब निकलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं अपना टैब वहीं भूल आया। तुझे अपने साथ लाए ना तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। अरे रुक जा, मामी आ गई है। नहीं मामी कराने वाली हैं। रुक जा अरे भाई, कौन है वो मनहूस? ये कोई मनहूस नहीं, हमारा दोस्त है। ये मुसीबत यहाँ भी आ गया यार, अब क्या करें। अरे ये कौन है? वो हमारा दूर का फ्रेंड है, है ना? We are friends। तो इसे दूर ही रहने दो, देखकर ही डर लगता है इसे। क्या बे? मैंने बोला था कि यहाँ मत आना। अरे वो गुस्से में क्यों जा रही है यार? ए, सुना उसने क्या बोला? चल निकल यहाँ से। अगर कहो तो मैं सॉरी बोल देता हूँ ना। ए भाई, तेरी सॉरी नहीं चाहिए, तू यहाँ से जाना, चल निकल। अरे मैं चेन है यार, माने दिया ना, इसे मैं बाद में लूंगा, तू अभी यहाँ से निकल। चलो चल चल यार। वो मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहे है यार? एक बात पता है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, हमेशा उसी की याद सताती है। मैं और वो शादी के मंडप में रेशमी कुर्ता और रेशमी धोती पहनकर, मैं और वो रेशमी साड़ी में, ये सब सोच कर ही मेरा दिल मचल जाता है। हम तुम्हारी हालत समझ रहे हैं, लेकिन तू दोबारा यहाँ मत आना। नहीं मैं यहाँ नहीं आऊंगा, हम लोग सोने की दुकान में जाएंगे क्या? भाई अब तू रहने दे, अपनी चेन अपने पास रख, जा यार यहाँ से। अरे अबे तू जा यहाँ से, क्यों परेशान कर रहा है? जा, क्या हुआ? इधर इस तरह चलता रहा तो मामला बिगड़ जाएगा, हमें अब सच्चाई बतानी पड़ेगी यार। अबे यार, सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ चिल्ला लो, सारी गलती मेरी ही है। A to Z इवेंट कंपनी हमने स्टार्ट किया था ना, उससे क्या फायदा मिला? बस हमारा नाम ही बदनाम हुआ है। शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से उसके चैन से हमने चैन की शराब पी है। हाँ। तू जो बोल रहा है वो सही है यार, लेकिन उस पागल ने सुसाइड कर लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। सही कहा यार। ठीक है, इस मामले को अभी खत्म करते हैं, मैं करूंगा। कुछ कर यार, जा। रुको 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 रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओह हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं, ये क्या हुआ? ये नहीं। अरे क्या हुआ, नीतू ने कुछ बोला क्या? अरे यार टेंशन मत दो, बोल दो भाई। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है, और बिना बोले रह भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, अगर तकलीफ है तो मत बताओ। नहीं 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 नहीं, बताता बताता।
वो नीतू है ना? क्या हुआ नीतू को? बोलो यार। यार वो एक पेशेंट है। उसको कैंसर है क्या? ये तुझे कैसे पता? आजकल के जमाने में कैंसर ही सबसे फेमस बीमारी है। इसलिए तू उसे भूलना पड़ेगा। भूलने के लिए बोल रहे हो? ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। भले वो इलाज के लिए अपना सिर मुंडवा ले, वो मेरे लिए एक परी है। आखिर सांस तक मैं उसका ख्याल रखूंगा। दोस्त, ये जानने के बाद उसके लिए मेरा प्यार और बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, क्यों यार, ये बात तुम लोगों ने मुझे बताने के बजाय छुपाया क्यों? वो क्या है कि बोलो ना यार, उसके इलाज के लिए मैं अपनी पूरी जायदाद बेच दूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे अभी जाकर मिलूं। भाई तुम्हें एक और बात बतानी है। उसके पूरे खानदान को कैंसर है क्या? ऐसा नहीं है यार, ये कुछ और ही है। वो ये है कि भाई फिकर मत करो, हम सब लोग हैं ना, तो मैं चलता हूँ। भाई कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो थैंक्स यार, थैंक्स। तुम बहुत तरक्की करो, चिंता मत करो, जा जा। कौन बन गया? अरे क्या बोला तुमने उसे? हे, ये वैंकी अपनी बातों से बड़े बड़े लोगों को चकमा दे देता है। उसका जो लव है वाद से। अबे सीधे मैटर पे आ, तूने बोला क्या उसको? एक छोटा सा झूठ बोला बेचारा, उसने भरोसा कर लिया। बोला क्या ये तो बता। हे, मैंने बोला अपनी नीतू ना ट्रांसजेंडर है यार। अबे कमीने तेरी। जी साहब, तुम कहाँ हो अभी? मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर रुको, एक गाड़ी रोको। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। जी सर। अपने वर्मा साहब बंगलों के सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी लेकर इधर ही आ रहे हैं, इसलिए तुम वहीं जी। उस दिन मैंने तुम्हें जिस मैटर के बारे में बताया था ना, वो वर्मा से बात करके क्लियर कर लो। ए, गाड़ी घुमाओ। सर टायर पंचर हो गया सर। अरे कोई बात नहीं, इतनी दूर तो हम आ गए ना। सुनो जल्दी से तुम टायर बदल दो, हमें सर कैसे भी यहां से निकलना होगा। जी जी। सुनिए, यहां आसपास कोई पंचर की दुकान है क्या? यहां आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं है। किस लिए आए हो? इस बंगले को देखने आए थे। बंगले को देखने आए थे? सुनो ये जगह ठीक नहीं है, तुरंत निकल जाओ। आखिर क्या प्रॉब्लम है? भूत बंगले के सामने खड़े होकर पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, जल्दी निकलो नहीं तो भूत प्रेत का शिकार बन जाओगे। वैंकी के दोस्त हो ना? सिर्फ वैंकी ही नहीं, एलेक्स और सीवा भी मेरे दोस्त हैं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मुझ में क्या कमी है? स्टाइल नहीं है या बाइक नहीं है? ए, तुम कोई पागल हो क्या? मैं पागल ही हूँ इसकी वजह से। हा? क्या कहा? मैं तुम्हें चाहता था ये सच है, लेकिन तुमने मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुमने मुझ पर इतना प्यार जताया लेकिन बाहर के मर्दों के साथ। जब पैंकी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ए बदतमीज, तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आती है? तूने क्या क्या बोला है उसे? हाँ इसे पहले ही मना किया था, लेकिन ये सुनता कहाँ है? अरे इसने गलती से बोल दिया होगा, इसे माफ कर दो। तुम कोई बहाना बना लेते चलता, लेकिन तुमने मुझे कॉल गर्ल कहा। ए जरा रुकोगी, ये क्या है, तुम तो गाली पे गाली दे रही हो। मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत नहीं है,
क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो ऐसा बोलना कुछ गलत थोड़ा ही है। अरे रुको रुको, 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 एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल मामी के सामने अगर मैं ऐसा बोलता तो गलत होता, क्योंकि मामी मेरी फ्रेंड नहीं है, है ना। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार। ए भाई, फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? क्या तुम बताओ क्या होता है? क्या दोस्त। देखो तुम सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी हो, इसलिए वो तुमसे प्यार करता है। अब इस चेहरे से तो प्यार करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास तुम्हारे जितना ग्लैमर नहीं है। ये प्यार भी जो है ना, ये ऐसे ही किसी से नहीं होता है। अब लो इसको देखो, जब देखो अविरामी अविरामी चिल्लाते रहता, कोई फायदा हुआ क्या? इसीलिए इस बारे में कोई बात नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। ओके हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मैंने नीतू से बहुत प्यार किया था, लेकिन तुमने उसको ये सब नहीं बताया। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। हे नरसू, तूने माँ की बात मानकर नीतू से शादी की होती तो तुझे गोरे बच्चे होते इस बात में शक था। अब तूने गोरी लड़की से शादी की तो बच्चा पक्का गोरा ही होगा। सच में मेरी माँ ने यही बोला था। अच्छा। उनके चेहरे की खुशी तो देखो। अरे शिवा, मेरी बहन को तू बहुत पसंद है। अरे यार, मैं तुझे अपनी आँख सौंप रहा हूँ और उन आँखों में बस खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। ठीक है यार, लेकिन अभी उसकी बात मत करो, अभी उसके लिए बहुत टाइम है। ठीक है ठीक है, टाइम है, टाइम है। जल्दी से कोई अच्छा सा काम ढूंढ लीजिए, उसके बाद सहकारा। अबे इसकी क्या पूरी फैमिली ही पागल है। अबे चुप हो जाना, जल्दी से इस फंक्शन से निकलने की सोच, समझा। चेहरे वाले को देख किसी सुपरस्टार की तरह चमक रहा है आज। मैं तो कभी उसे हाथ से नहीं निकलने देती, एक खींच कर दूंगी ना। देखो बेटी, तुम चिंता मत करो। हाँ, मेरा बेटा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई मामूली सा दिखने वाला लड़का तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा बेटा तुम्हें नहीं मिला इस वजह से तुम सुसाइड मत कर लेना। एक लड़की को दूसरी लड़की ही समझ सकती है ना। इस वाली उम्र में तुम बदनाम हो चुकी हो, अब तुम्हें अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस दुनिया में भगवान नाम की भी शक्ति है, अब से तुम हर एक मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना शुरू कर दो, तभी तुम्हारे आसपास की बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब एक बात बोलूं क्या, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, पर मेरा हस्बैंड ये सब नहीं जानता। मैं चलती हूँ। अब तुम चिंता मत करो, मुझे तो लगता है इसका पूरा खानदान पागल लूज है। नहीं लूज मोशन है। सुनो, उस तरफ जाकर खेलो, जाओ। किसका फोन है? कोई वर्मा है। अय्यर जी, आज तो आप पूरा पैसा देने वाले थे, फिर आखिरी वक्त में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता वर्मा, ज्योतिष के मुताबिक अभी मैं कोई जगह नहीं खरीद सकता। लेकिन अब मैं इतनी जल्दी दूसरी पार्टी कहाँ से ढूंढूंगा? इसके बारे में आपको खुद सोचना होगा। अय्यर जी, आप अच्छी तरह सोच समझ लें, उसके बाद मुझे बताएं, मैं बाद में फोन करता हूँ। मिस्टर वर्मा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, इस बारे में बात करने के लिए फोन मत कीजिएगा, सॉरी। पेरुमल, भाई 5 लाख अकाउंट में क्रेडिट। जो जुबान तुम्हें दी थी वो पूरी कर दी, हमारे और तुम्हारे बीच जो डील थी वो हो गई, सो डील ओवर। ए, कौन कॉल कर रहा है? जाके तेरा फोन उठाना यार। अरे यार, नरसू होगा। कौन नरसू? वो हमारा चेन फ्रेंड है, तुम उसे नहीं जानती हो? आज तो मैं उसे। यार पेरुमल है। सुपर, बस इसी की कमी रह गई थी, अब वो भी आकर हमारी जान खाएगा। अरे फोन उठाओ ना।
बोलिए पिरुमल जी। बेटा एक सप्ताह हो गया है, तुम लोग मेरे पास आओगे या मैं तुम लोगों के पास आऊँ? लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, मैं खुद ही आता हूँ। क्या बोल रहा है वो? वो हमें वहाँ बुला रहा है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? ए, तुम लोग जाकर उससे मिलकर आओ ना। चल यार, उससे मिलकर आते हैं। चल ए, हम भी साथ चले क्या? नहीं, हमने ये सब शुरू किया ना तो हम ही खत्म करेंगे। पेरुमल जी, हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हम इस मामले को कैसे कर सकते हैं? हो सकता है, और सिर्फ तुम लोगों से ही हो सकता है। तुम लोगों के हर प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, कॉलेज फीस, घर का किराया और इसके साथ पेरुमल का उधार, वो सब कुछ मैं सेटल कर दूंगा। क्या बोलते हो पेरुमल? सर, हम लोगों ने ऑलरेडी आपकी बहुत मदद की है, हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं सर, हम लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? जानता हूँ, वैसे तो ये आरके सबकी मदद करता है, लेकिन अब तुम्हें इस आरके की मदद करनी होगी। ऐसे अचानक आप कहाँ जाएंगे? जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो ना यार, चलो जल्दी। चल भाई, ना कुछ बोलती रहे। ये जगह काफी डरावनी लग रही है ना? कुछ देर के लिए तुम लोग चुप नहीं हो सकते? यार, दारू पीने के लिए मस्त जगह है। ए, चुप रहे ना। बहुत चुप चुप बोल रहा है, तुझे तो दारू पीते समय बताते हैं। चल। बगल भी हो ना? जल्दी। हाँ यार, बगल में ही हूँ। मेहरबानी करके हंसना मत, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम लोग यहाँ ये लो लगाओ। अभी नहीं हुआ है, जैसा हम लोग कर रहे हैं, चुपचाप कर चलो, चलो, सब तैयार है ना? आज हम लोग रेडी हैं। सब कुछ हाँ, सब कुछ तैयार दिया, सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक है। चलो 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 चलो। ए, सब ठीक से रख लिया ना? हाँ, सब ठीक लग रहा है। ए, तुम्हारा मेकअप मुझे ओवर लग रहा है। तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ, रेडी ठीक है। वन वन टू टू थ्री इस जगह को देखकर तो बहुत डर लगी। चल कोई बात नहीं, आइए अरे काम वाले आ गए। थैंक यू सर, बट एक छोटा सा चेंज है सर, अभी तक डील पूरी नहीं हुई। बच्चों, तुम किससे बात कर रहे हो? आरके से। तुम्हारी डील पूरी हो गई है। आरके सर, डील आपकी तरफ से हुई होगी, इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, हमने एक सिंपल बंगले को भूत बंगले में बदल दिया है।
और हम सबको आपकी ये डील मंजूर नहीं है, इसलिए आपकी ये डील कैंसिल। लाख नहीं चाहिए, करोड़ चाहिए, 1 करोड़। बेटे, इस कॉमेडी सीन की अभी जरूरत है। कन्ना, राजा कन्ना, अभी ये कॉमेडी है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ट्रेजेडी में बदल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो लोग देख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा हो, कहिए तो एक छोटा सा बिट दिखाऊं। ये भी ना, ए तू चुप कर, ए मैटर बता। क्या है कि कहानी पुरानी है पर ट्रेडमार्क बिल्कुल नया है। 20 साल पहले की बात है, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर के पास तिरुनेलवेली जिला में एल्लापट्टी नाम का एक छोटा सा गांव है, और उसी गांव में पेची अम्मा नाम के कैरेक्टर रहती थी, और उसी कैरेक्टर का एक बेटा है, उसका नाम है पवाड़े। कहानी की बिगिनिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट है। खाना खाए 4 दिन हो गए, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। गांव में जो है इस तरह से एक बच्चे की एंट्री होती है, वही है मिस्टर राजा कन्ना। वो लड़का बहुत भूखा था, उसे खाने के साथ साथ रहने के लिए जगह भी दी पेची अम्मा ने। पेची अम्मा ने अपने सगे बेटे से बढ़कर उसे प्यार दिया और उसे गोद ले लिया। बहुत तकलीफ और परेशानी उठाकर उसको स्कूल भी भेजा। राजा कन्ना बड़ा होकर चेन्नई में एक नौकरी करने लग गया। आरके ग्रुप, रमाकांत रेड्डी ग्रुप, सिंगापुर बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी। राजा कन्नू का अच्छा वक्त और रेड्डी का बुरा वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि ये राजा कन्नू रेड्डी के यहाँ नौकरी पे लग गया था, और बस कुछ ही दिनों में कन्नू रेड्डी का भरोसेमंद आदमी बन गया। कुछ ही दिनों बाद रेड्डी का भरोसेमंद आदमी था राजा कन्नू। आरके ग्रुप राजा कन्नू ग्रुप में बदल गया और रमाकांत रेड्डी कहीं गायब हो गया। अब आप क्या कहेंगे सर? तो इसमें क्या परेशानी है? आर के ग्रुप मतलब राजा कन्नू ग्रुप है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसलिए 1 करोड़ देने की बात कर रहे हो? अरे सर रुकिए रुकिए, जल्दबाजी मत करिए, अभी हम इंटरवल तक ही पहुंचे हैं। रमाकांत रेड्डी, वाइफ राजलक्ष्मी, बेटी आरती, तुम्हें गोद लेके पालने वाली पेची अम्मा, ये चारों कहां लापता हो गए? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे सर हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग इतनी देर से देख रहे हैं इनको तो पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब तुम लोग सब कुछ जानते हो? हाँ, मैंने ही। कोई एविडेंस है क्या? आरके, तुम जितना स्मार्ट बनते हो उतने हो नहीं। तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो सब फोन में रिकॉर्ड हो चुका है और बन गया एक एविडेंस। लेकिन अभी वाले सीन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा राजा कन्ना, इन सब बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, ये नहीं पूछोगे क्या? अरे यार क्या बात कर रहा है सर, पहले ही टेंशन में है। ए भाई क्या हुआ? मैं अपना टेप वहीं भूल गया। क्या बात कर रहा है? परेशानी है, चल चल के लाते। मैंने पहले ही पूछा था सब कुछ ले लिया है कि नहीं। अरे टेंशन में भूल गया था यार। कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, समझो। आज तक इसने कौन सा काम ठीक से किया है? हमेशा ऐसी गलती करता है, ठीक से याद नहीं रहा।
कहाँ चला गया था? यही था। पता ना। तो यहाँ छोड़ के गया तो कहाँ चला गया? ढूंढ ना उसका नंबर। कहाँ रखा था? तुझे इतना भी याद नहीं कहाँ रखा था? खड़े होकर के मेकअप कर रहे थे। यही होना चाहिए यार। क्या लग रहा है? हाँ? मिल गया। अरे बाप रे। सुनो बॉल ला कर दे दो ना। बॉल ला के दूंगा तो मुझे भी टीम में रखोगे? बॉल ला कर दोगे तो टीम में रखेंगे। के लिए कितनी सारी तकलीफें उठाई हैं। वो जो राजा कन्ना है ना, वही आरके है, हम जान चुके हैं। अभी कहाँ है वो? कूल डाउन सर, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? डील ओके या नहीं? डील ओके भाई, नहीं तो उनकी वाट नहीं लग जाएगी। ओके, डील ओके, कल उसी बंगले में। ठीक है, तो कल हम आएंगे, पावड़े को देंगे और 1 करोड़ रुपए ले लेंगे। गायब है। क्या कह रही? वो गायब हो गया? अरे बाथरूम में देखा क्या? हर जगह ढूंढ लिया, वो गायब है। अबे तो उसे ढूंढना पड़ेगा। मेहता, प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, साइंटिस्ट। सर वो काम हम लोग नहीं कर सकते, सॉरी सर। क्यों बे? ये तो उस दिन सोचना चाहिए था ना, जिस दिन मुझसे पैसे लेके गए कि ऐसी परेशानी आएगी। है फोन रख बे। बोलिए सर। तुम लोग बहुत घमंडी हो हैं। तुम्हारे फ्रेंड ने मेरा फोन कट कर दिया। सर मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके, मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। सर बाद में बात करेंगे ना। नो, आई वॉन्ट टॉक टू यू राइट नाउ। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नहीं बात करनी, फोन रखो। हेलो, मेरा कैश कब वापस लौटाओगे? कभी भी दे देंगे भाई। कट मत करना, कट मत करना। मैं खास बात बताने के लिए फोन किया है। खास बात? अरे बेवकूफ, उस बात के लिए फोन नहीं किया। अबे जो भी है बोलना। मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, वो मैं एक सुअर के जरिए करने वाला हूँ। वो मुझे एक्सीडेंट में मिला हुआ एक गिफ्ट है। हाँ, वेरी गुड एंड थैंक यू। सर पावाड़े। पावाड़े? वे
ये काफी है ना? ये थोड़ा पुराना है, जमीन पोछने के लिए बेस्ट है। और चाहिए क्या सर? हमारा पावाड़े। तुम्हारा पावाड़े? ये मेरी बीवी का लहंगा है। सर आप जिसे पकड़ के लाए हैं उसे छोड़ दीजिए प्लीज। ओ, तो उस सुअर की बात कर रहे हो? वो मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लाया हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं मैं नहीं दूंगा। ओके मैं देता हूँ, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। सर वो हम लेके आए हैं, वो देना है। सर और उस दिन जो शराब पी थी उसका पैसा कौन देगा? गुड, वो उस कमरे में जाओ 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 जाओ, गो 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 फास्ट। कोई बात नहीं पापा, तुम खा लो। आरके अभी तक आया नहीं क्या? कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा ना? चलो। पेरुमल का फोन है। अरे शिवा, उस आरके ने हमें धोखा दे दिया है, वो दुबई चला गया। तुम लोगों का पैसा तो मिल गया, मेरा पैसा नहीं मिला यार। वो कहीं भी चला जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ए, हेलो हेलो, क्या हुआ यार? आरके में धोखा देकर दुबई चला गया है। उस पेरुमल की बात पे यकीन मत कर, आरके को फोन करना यार। The number you have dialed is not reachable. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। यार पेरुमल बिल्कुल सच कह रहा है। वो पावड़े किधर गया? आरके कहीं नहीं गया, वो यही है। चलो चलो। आरके आरके चलो चलो। आरके 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 नहीं। सर उसे कुछ मत करो सर प्लीज। आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ, तुम लोगों को जितना कैश चाहिए वो तैयार है। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे अरे ऐसा मत बोलो, कल तो फिल्मी स्टाइल में तुम लोग डायलॉग मार कर गए थे। अगर मैं चाहता तो कल ही इसे खत्म कर देता, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कमीना, इसने जो डायलॉग मारा था ना तभी मुझे क्लाइमेक्स मिल गया था। क्या बोला था तुमने? फोन में रिकॉर्ड कर लूंगा तो बहुत बड़ा एविडेंस है। हाँ भाई मैं जानता हूं, रिकॉर्ड कर लोगे तो वो बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? फोटोग्राफ्स, तुम लोगों का इसके साथ घूमने का। अभी मैं इसे मारने वाला हूं और दुनिया को बताऊंगा कि इसका खून तुम लोगों ने किया है। उसके बाद तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं। hey! फर्स्ट डायलॉग नेक्स्ट फाइट। इन लोगों के जरिए मैंने इस बंगले को भूत बंगले में बदलने का प्लान किया था, लेकिन इन लोगों का शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन दिमाग बहुत कम है। अभी क्लियर हो गया? आरके, हाँ? चलो चलो जल्दी चलो।
नजदीक बताना। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ? ए यार गाड़ी मदुरई लेके चल। अविरामी अविरामी अविरामी, इंसान पहचान ले, इंसान का प्यार नहीं है, पवित्र है, पवित्र पवित्र प्यार है ये। अविरामी 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 अविरामी।